दर्शकों, फिर आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर मैं आपकी होस्ट ज्योति फिर एक बार यहाँ पे मंगरूलपीर में आई हूँ, सोनकासा इस गांव के बुद्ध विहार जिसका नाम है पंचशील बुद्ध विहार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ के लोगों से जानते हैं और साथ ही साथ इस गांव में किस तरह से धम्म का पठन किया जाता है और धम्म का आचार विचार किस तरह से किया जाता है। इस संदर्भ में इस गाँव की कुछ महिला हमसे जुड़ चुकी है जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि धम्म का प्रसार और प्रचार किस गति से किया जाता है। लेकिन धम्म के बारे में तो हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं बुद्ध वंदना। सम्बुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि, बुद्ध नमामि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि, धम्म नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि, संग नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि, अदिन्नदानावेरमणि सिक्कापदं समादियामि, कामेषुमिच्छाचारावेरमणि सिक्कापदं समादियामि, मूसावादावेरमणि सिक्कापदं समादियामि, सुरामेरयमजपमादठानावेरमणि सिक्कापदं समादियामि। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। हमारे साथ में पंचशील बुद्ध विहार की महिला जुड़ चुकी है जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि धम्म के बारे में किस तरह से धम्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। तई मुझे बताइए, इस विहार में किस तरह से धम्म का पालन होता है और साथ ही साथ धम्म के बारे में कहाँ तक लोग जागरूक है? आम्ही रोज येतो इथं विहारामध्ये, साफसफाई करते, रांगोळ्या घालते बाहेर आणि धम्मवंदना संघवंदना रोज घेत असतो। तई जिस तरह से अभी आपने कहा है कि धम्म वंदना संघ वंदना आप यहाँ पे रोज़ाना आते हो, साथ ही साथ साफ सफाई भी करते हो, आगे में इस विहार की किस तरह से प्लानिंग रहने वाली है? आगे भी ऐसी प्लानिंग करेंगे। तई आप अपने शब्दों के माध्यम से इस विहार के बारे में क्या कहना चाहते हो? आम्ही रोज येत येऊन बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना रोज घेईल आणि घेत राहील, मुलांना पण शिकवेल। वर्षवास किस तरह से की जाते है? वर्षवास 3 महिन्याचा राहते वर्षवास, आम्ही आषाढ पौर्णिमेले वर्षवास ठेवतो आणि 3 महिने वाचन करतो, सर्वांना सांगतो बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हे वाचन करतो। तई आप तुम्ही काय सांगणार? रांगोळी स्पर्धा, कोणता दुसरा खेळ, असे खेळ पण आम्ही इथं राबवतो। इसी के साथ में ही धम्म का जो ग्रंथ होता है बुद्ध और धम्म, उस बारे में क्या आप लोगों को किस तरह से बताते हैं? वंदना रोज घेतो आम्ही इथं,
काही मुली खेळतात, काही वंदना घेतात, छोटे छोटे मुलं येतात, मुली पण येतात. आणि दसरा सण 14 एप्रिल एकदम साजरा करतो आम्ही सर्व मिळून. आम्ही पण इथे रोज येऊन आमचे लहान लहान पोरं येऊन त्यांना जसं आम्ही इथे वंदना घेतो तशीच आम्ही आमच्या पोरांना पण सवय लावू आणि त्यांना पण त्याबद्दल थोडं जेवढं आम्हाला येते त्याच्यापेक्षा जेवढं बाबासाहेबांनी दिलं तेवढं जरी नाही आलं त्याच्यापेक्षा थोडं तरी आम्ही आमच्या पोरात आमच्या मुलांना शिकू. आणि जशा ज्या ज्या पद्धतीने बाबासाहेबांनी सांगितलं त्याच पद्धतीने तेवढं जरी नाही आलं तरी त्याच्यातलं काही ना काहीतरी आम्ही आमच्या मुलांवर त्याचे संस्कार टाकू. आणि जसं आत्ता आम्ही इथे येऊन करतो तसंच आमच्या मुलांनी पण करावं. त्याच्यातलं जेवढं नाही आम्ही जेवढं तेवढं त्यावेळेस यायचं लोकांना तेवढं जरी नाही आलं त्याच्यातलं काहीतरी आमच्या मुलांनी पण शिकावं. तुम्ही काय सांगणार? आम्ही रोज विहारामध्ये येतो, विहाराची साफसफाई करतो, झाडाला पाणी वगैरे घालतो. सांस्कृतिक खेल उस खेल में किस तरह की प्रतियोगिता होती है? डांस कोई डांस करता है, कोई फुगड़ी बोलते हैं उसको, विविध कार्यक्रम. इस विहार की महिलाओं से हमने चर्चा की और साथ ही साथ इस पंचशील बुद्ध विहार के बारे में भी हमने जानकारी ली. और जानकारी लेते समय हमें यही पता चला है कि इस विहार में धम्म का जो कारवा है वो आगे किस गति से जा रहा है और साथ ही साथ धम्म का प्रसार और प्रचार किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए इस पंचशील बुद्ध विहार की महिलाएँ जो है वो हमेशा ही तत्पर रहती है. यहाँ पर सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा लेकिन यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है. पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है. प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं. बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है. हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर, तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्ध नगर, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896, 7385519190, 7057050633. मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी, हमारी कोई भी शाखा नहीं है. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आपका साथ गांव का विकास. विकास किस तरह से होना चाहिए इस बारे में इस गांव के जो लोग हैं हम उनसे जानकारी लेंगे और साथ ही साथ गांव के विकास के बारे में वो अपनी बात किस गति से किस तरह से रखते हैं तो हम सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि गांव के विकास किस तरह से हो रहे. सर मुझे बताइए कि गांव के बारे में किस तरह का विकास हो रहा है. मैडम सच के ये तो ऐसा है कि बाबा साहेब ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया है मगर अब वैसे कुछ होता नहीं है क्योंकि अब जो सरपंच बनता है गरीब को घरकुल देता है तो उसको बोलते हैं घरकुल मिल जाएगा आपको कि सबसे पहले मेरे को 10,000 रुपये जमी होना और बाद में बोलते कि आपका घरकुल पास नहीं हुआ. ऐसे करते कि बाबा साहेब के नाम से चलते हैं कि बाबा साहेब का नाम करते नहीं है वो. बाबा साहेब के नाम से चलते हैं पर बाबा साहेब का नाम लेते नहीं है. सिर्फ क्या करते है कि अपने जेब में पैसे ले लेते हैं और गरीब के सब कुछ जैसे आप समझ लिए कि मैंने मेरा घरकुल पास होगा और मेरे पास पैसे नहीं है तब भी मेरे को मजबूर करते कि भाई तेरा घरकुल मैं पास करके देता हूँ कि तुम मेरे को 20,000 दे दे 10,000 दे दे और तेरा घरकुल मैं पास करके देता हूँ. तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा हुआ है तो वो हिसाब से तो आप चलिए. बाकी मेरा कुछ कहना नहीं कि मेरा एक ही कहना है कि बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से चलिए. आज लोग
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी मैं माहिती देता हूँ कि आम आदमी पार्टी वाशिम जिला सदस्य का मैं सदस्य हूँ। तो मेरे को बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं, तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहेब का बदल उनका बहुत ही अच्छा है। लोग क्या कहते हैं कि ऐसा वैसा, तो ऐसा कहना उनका सबका कि बाबा साहेब का संविधान है वो हिसाब से आप चलिए, तो लोग ये हिसाब से चलते नहीं है। तो कैसा है कि बाबा साहेब का नाम लेते हैं कि बाबा साहेब है, तो नरेंद्र मोदी का ज़माना आएगा, लोग कहते हैं कि वह नरेंद्र मोदी आ गए। नरेंद्र मोदी ने कहा है, बहुत बार कहा है कि अच्छे दिन आएंगे। मेरे को मैसेज है कि अच्छे दिन आएंगे तो कब आएंगे? सब कुछ फ़ायदा हुआ है मैडम, गरीब लोगों अपना अमीर लोगों का गरीब लोगों का सब नुकसान हुआ है। क्योंकि आज जो भी गरीब व्यक्ति जाएगा, समझ लीजिए मेरी चाची है, तो ये जाएंगी कि इसके इनको इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये जाएंगी अपने पगार लेने के वास्ते, वहाँ पर सब कुछ लगता है, तो इनको पगार मिलेंगी नहीं, तो पगार मिलेंगी ये मैडम को, ये मैडम के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है सब, तभी 1200 रुपये उनको मिलेंगे, पर गरीब आदमी को इनको मिलेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है दादा। तो आप मुझे बताइए, आप जिस तरह से शब्दों के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं और जन जागृति करें, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप एक युवा है, युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो आप अपनी तरफ से किस तरह की कोशिश करते हो कि उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुँचाया जा सके जिनको वो योजना के बारे में मालूम नहीं, और उन योजना तो उनको पता भी होती है फिर भी उन पर उन तक वो नहीं पहुँच पाती, तो उन लोगों तक आप किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं? तो हमारा एक ग्रुप तैयार हुआ है मैडम अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो हमारा जिस जगह पर समझ लो एक हॉस्टल है, तो वहाँ पर उनको बोला जाए था कि तुम्हारे को दाल रोटी मिलती, तो उस जगह जिस जगह चटनी भाकर मिलती है, जो अपने भाषा में बोलती है चटनी यानी भाकर, तो उस जगह हम जाते हैं, तो जो जिस जगह का वो प्रिंसिपल रहता है तो उनसे हम सीधे बात करते हैं। अगर वह इनको तुम बोले हो कि दाल रोटी तुम उनको दे रहे हैं, तो वो टाइम में उसको तुम नहीं दे रहे, तो बाद में तुम चटनी भाकर तुम क्यों दे रहे हो? तो हमारी टीम तैयार हुई है, तो हमारी टीम हर जगह भारत में हर कोने कोने में हमारी टीम पूरी फैली हुई है, तो हम सबको जागरूक करेगी भाई देखो ये बाबा साहेब के संविधान के समान खिलाफ जा रहे हैं लोग, कि ऐसा नहीं होने को होना। अमोल जादव, अमोल दादा ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बात की, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरह से अपनी बातों से पर आप सभी को बताया कि यहाँ पे किस तरह की योजना आती है और उन योजनाओं पर कितना अमल हो पा रहे हैं लोग। सर, आप किस तरह से अपने शब्दों को विकास के माध्यम से रखोगे? अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्वच्छ भारत अभियान जवळजवळ आमच्या गावामध्ये सगळं म्हणजे उद्दिष्ट पूर्ण केलं, पण त्याचा उपयोग काही झाला नाही, आणि घरकुलाचं पण ते उद्दिष्ट पूर्ण करतात, पण ते 2-3 लोकांनाच घरकुल मिळालं, त्याचा काही फायदा झाला नाही। विशेष म्हणजे रोड जे आहे, रोड हे 10-15 वर्षापासून तसा रगडलेला आहे, रोडचं त्यांच्या याच्यामध्ये राजकारण येते, रोड पण होऊ देत नाही, नाल्या पण होऊ देत नाही इकडे आपल्या मोहल्ल्यात, आणि आपल्या मोहल्ल्याचं जर समजा पैसे आले मागासवर्गीयाचे तर अन्य याच्याकडे ते वळवतात, त्याच्यामुळे इथला वरच्या वरिष्ठ अधिकारी लोकांनी म्हणजे ही पाहणी करा आणि गरीब लोकांना न्याय द्यावा। आमच्या गावात नाही पाणी येत नाही, काही म्हणजे पाणी नाही मिळत, आणि म्हणजे नाल्या रोड काहीच नाही बनलेलं सध्या, म्हणजे त्याच्यानं आम्हाला आमची एवढीच प्रेरणा आहे की आमच्या गावात नाही रोड आणि पाणी आणि याचं सुविधा करा। हाँ, तो मुझे बताइए यहाँ पे नल की जिस तरह से आपने कहा है कि सुविधाएं नहीं है, तो इस बारे में आपने कभी सरपंच से बात की? हमने कई बार कोशिश की है उनको बताने की, लेकिन वो हमारी जो राय है वो कहीं सुनती ही नहीं, वो किसी जो अमीर आदमी है समझा, मतलब उनके उनके बात हमेशा सुनते हैं, मतलब उनके उनके घर में हमेशा पानी सब आता है, लेकिन हमारे गाँव में अभी पानी रोड ये जो सुविधा है ये कभी हमारी वो राय नहीं सुनती, इसलिए हमने अभी ये ग्रुप बनाया है, उसे हम ये उनको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब गरीबों की बात वो नहीं सुनती, बड़े लोग की बात हमें सुनती है, इसलिए हमारे गांव में कुछ नहीं। अमल दादा, इस सवाल को लेकर फिर मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ कि इस बच्चे ने कहा है कि यहाँ पे नल की सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण ये सरपंच से भी मिले लेकिन उन्होंने कुछ तरह से बात ये कर दी, तो इस बारे में आप अपने शब्दों को किस तरह से? मैडम, ये बात सच है कि हमारे गाँव में एक्चुअली हमारे गाँव में नहीं, ऑल इंडिया सब
जो भी जितने भी खेड़े पहाड़े जितने ही गाँव हैं, तो ऑल इंडिया सब कुछ वही हो रहा है कि सिर्फ जो सरपंच होता है, जो भी बड़े आदमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक समझ ले कि ग्राम पंचायत है, तो अब नल की योजना आ गई हमारे गांव में, नल की, और गरीब को पानी मिलनी चाहिए। तो उस टाइम में सरपंच लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, सिर्फ चार जगह पर, जैसा एक दो तीन चार जगह पर चार नल खड़े कर दिए हैं, और उनका बिल वो निकाल लेते हैं और नल वापस में बंद कर दिए, जैसे है वैसा गांव रहता है, बाद में गरीब लोग वैसे वैसी रह जाते हैं। ये बस उसके बाद में कुछ एक्चुअली मेरा ये कहना है कि हमारे गांव में आज मैं 29 साल का लगभग हूँ, तो लगभग मैं समझ लो 20 साल का था, तो हमारे गांव में ही सामने एक बड़ा सा है था, पानी का टैंकर था, तो हमारे गांव में चालू था, तो वो भी सिर्फ कई लोगों के घर में चालू था, तो वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। उसी के गांव में मेरे घर के सामने एक्चुअली मेरे गांव घर यहाँ पर है, तो वहाँ पर एक हफ्सी थी, स्कूल के सामने एक हफ्सी थी, तो वो भी बंद कर दी गई। क्या कारण हो सकता है दादा, क्यों बंद कर? तो क्यों बंद कर दी कि हमने कई लोगों ने कंप्लेंट दी, तो उसके बाद में क्या है कि वो एक तो लगभग 140 या 130 के लगभग वो खोल दी, तो उसने लोगों ने कोई ये नहीं किया, तो हमने क्या किया कि और नीचे ले जाने को ना, उन लोगों ने सुना नहीं, तो उसने क्या किया तो हफ्सी को ब्लॉक किया, क्योंकि वह और जर नीचे लेंगे अपन तो और आप जेब में से पैसे अपने चल जाएंगे, तो उसने वो किया नहीं, तो हफ्सी को बंद कर दिया। जैसे अभी दो मिनट पहले एक बच्चे ने बात की तुम्हारे साथ मैडम कि वह नल की योजना हमारे गांव में नहीं है, तो ये बात 100% बराबर है कि आजकल लोग क्या कर रहे, सिर्फ अपना काम कर रहे कि वह अब नल की योजना इस गांव में है, जैसा हमारा गांव है सोनकास, तो बस नल की योजना ला रहे, नल खड़े कर रहे चार जगह पर, और अपना पैसा निकाल रहे और नल जैसे वैसे बंद कर रहे। यही मेरा कहना है कि बाबा साहब को संविधान को कोई बंद ना करे, कि बाबा साहब ने एक ही कहा है कि मैं मरू या जीव, मेरा संविधान सिर्फ तुम जिंदा रखो, ये मेरा कहना है। ताई, जिस तरह से दादा ने यहाँ पे बात कही है कि यहाँ पे नल की सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेके सरपंच के पास जाते हैं तो वो उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो लेकिन नल चालू कर देते, उसके बाद में वो नल बंद कर देते, ऐसे दादा का कहना, तो चालू होते ही नहीं। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है? अगोदर पंचवटी याच्या अगोदर 5 वर्ष अगोदर मी होती सदस्य, तो मी या गावातनी नाली आणली, रोड आणला, कलरिंग केली विहाराला, सर्व काही व्यवस्थित आहे। आता याच्या अगोदर जे सांगत होता हा अमोल जाधव ते खरं आहे, पण आता जरा व्यवस्थित आहे, आपले सरपंच आहे, सर्वच आपले सदस्य आहे इथं। मी आता पंचवटीमध्ये, मागच्या पंचवटीमध्ये माझं सदस्यपद गेलेलं आहे, मी सध्या अशा पदावर आहे, तर सर्व व्यवस्थित आहे, सर्व काही एकदम चांगला आहे। या गया सयान तुम्ही बनाशील वन बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन, बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन। या गया सयान तुम्ही बनाशील वन बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन, बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन। संग बोध घेऊन देशो देशी फिरला, संग बोध घेऊन देशो देशी फिरला, पंचशील खंबीर आपल्यासाठी बनविला, पंचशील खंबीर आपल्यासाठी बनविला। कळवळीन सांगन हे माझं मनन, हे माझं मनन, बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन, बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन। या गया सयान तुम्ही बनाशील वन बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन, बोधी वृक्षा खाली करू धम्माच चिंतन। घर प्रपंच आहे जशी यमाची खान, घर प्रपंच आहे जशी यमाची खान,
जीवन तुम्ही घ्या हो सुधुरुन त्यातला त्यात जीवन तुम्ही घ्या हो सुधुरुन कळवळीन सांगन हे माझं मनन हे माझं मनन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन या गया सयान तुम्ही बनाशिलवन बनाशिलवन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन हृदयात वाहे गंगा किती आनंदान हृदयात वाहे गंगा किती आनंदान आन पान अक्षर दोन आहे जोडीन आन पान अक्षर दोन आहे जोडीन गुणानंद भंतीजीची आहे ही खुन आहे ही खुन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन या गया सयान तुम्ही बनाशिलवान बनाशिलवान बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन बोधी वृक्षाखाली करू धम्माचं चिंतन अमोल जाधव राहणार सोनकास तालुका मंगरुळपीर जिल्हा वाशिम माझा विवाहाचं नाव आहे पंचशील बुद्धविवार मला एक गाणं म्हणायचं आहे छोटंसं कळू आहे की ते मला दे सादर करायचं आहे हो असली सोन्याचा तुकडा हो असली सोन्याचा तुकडा हा माझ्या बाबा भीमाचा हा मुकडा लाखात एक होता मनाचा तो नेक होता लेक राम जी पित्याचा हसली सोन्याचा तुकडा माझ्या बाबा भीमाचा हा मुकडा लाखात एक होता मनाचा तो लेक होता लेक राम जी पित्याचा तारीख 14 एप्रिल महिना रामजीच्या घरी हलला 14 पाळणा रामजीच्या घरी हलला 14 पाळणा जय भीम जय संविधान। आपका साथ गांव का विकास इस कार्यक्रम के माध्यम से सर हम आपके गांव में आना आए हैं विकास के बारे में आप अपने शब्दों को किस तरह से रखोगे विकास चवरत नहीं है बोला मैडम कि विकास एकदम थोड़ा कमी होते विकास होत नाही नाल्या नाही झालेल्या आहेत दलित वलसीसाठी नाल्या बी नाही आहे रोडची योजना बी नाही आलेली आहेत नळ सगळे इकडे लागलेले होते आणि सदस्य सरपंच स्वतः बोलले होते की नळची योजना आम्ही करू आणि निवडून आल्याच्या बाद आम्ही सगळं काही करू पण कोणीच काही केले नाही टाकी जशी बांधलेली आहे तशीच बांधलेली आहे त्याच्यावरसुद्धा मोटर लावलेली होती ते मोटर बी काढून टाकली मोटर बी बंद केली नळ योजना बी होती आजपर्यंत तरी 10 ते 15 वर्षापासून ते बंद आहे आणि जे सदस्य सरपंच म्हणत होते की बा आम्ही निवडून आल्याच्या बाद आम्ही वेतीचा विहिरीसाठी जागा देऊ आणि डबल आम्ही निवड योजना चालू करू तर अजून आज काहीच नाही झालेलं आहे जसंचं तसं बंद पडलेलं आहे माझं नाव अनिल जयराम जाधव अनिल दादा से और साथ ही साथ अमोल दादा से बात करने पर और उसी के साथ ही हमने महिलाओं से भी चर्चा की कि गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए और विकास के बारे में उन्होंने अपने अपने शब्दों के माध्यम से विकास किस तरह से हो रहा है इस बारे पर खास तौर से रोशनी डाली है। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले माता रमाई कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है पीतल मेटल मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग इंटीरियर डेकोरेशन पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स अशोक चक्र अशोक स्तंभ दीक्षा भूमि स्तूप
बोधी वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता, नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर, तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्ध नगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 9922067896, 7385519190, 7057050633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी, हमारी कोई भी शाखा नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहां पर संविधान, ये जो ग्रंथ है, यहाँ पे हमने छिपा के रखा है, जिसके लिए छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे साथ में, एक का नाम है रानी और दूसरी का नाम है श्रुति। श्रुति जो है वो चौथी क्लास में है और रानी जो है वो KG 2 में है। अब देखते हैं कि इन बच्चों के आंखों पर हमने पट्टियाँ बांधी है, ये संविधान के ग्रंथ को ढूंढने में कामयाब होती है या नहीं। और सभी से निवेदन है कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप जोरदार इन बच्चों से का स्वागत करते रहिए। चलो रानी और श्रुति, आपका समय स्टार्ट हुआ बेटा। चलो देखते हैं, देखते हैं, संविधान 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 संविधान, और संविधान जो है वो श्रुति ने ढूंढ कर निकाला है। भारत का जो संविधान है, जिसे लिखने के लिए बाबा साहब को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, उस संविधान को श्रुति नाम की जो लड़की है उसने ढूंढ निकाला है। श्रुति, कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। संविधान किसने लिखा है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बच्ची के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाए। श्रुति ने यहाँ पे संविधान के बारे में बताया है कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। अब बढ़ रहे हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ पर भारत के संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करेंगे। तो आप पंचशील बुद्ध विहार की सभी उपस्थित महिला और पुरुषों से निवेदन है कि आप सभी तैयार है उद्देशिका पठन करने के लिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदा द्वारे इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। पंचशील बुद्ध विहार में है, जिसका तालुका आता है मंगरूरपीर, जिला वाशिम, जो कि महाराष्ट्र में आता है। पंचशील बुद्ध विहार में धम्म का प्रसार और प्रचार किस गति से किया जा रहा है, इसके लिए हमने खास तौर पर इस महिला मंडल की महिलाओं से, साथ ही साथ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों से भी हमने कुछ सवाल किए, जिसके बारे में इन्होंने खास सवालों के बारे में हमें जानकारी दी और साथ ही साथ चर्चा भी की कि धम्म के बारे में कितनी जागरूक है यहाँ की महिलाएं। दर्शकों, आपको भी मेरा गाँव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गाँव का निर्माण इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपका गाँव, आपका विहार अगर दिखाना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते थे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरविंद मोरे के साथ में मैं ज्योति हाड़के, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।